नमस्कार, मैं संजना। मेरे चैनल घर की अंगीठी में आपका स्वागत है। आजकल मैं सात्विक रेसिपी बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज वाला। तो आज मैं बनाऊँगी बेसन की कढ़ी। बनाना बहुत ही आसान है और मैं बहुत कम तेल मसालों के साथ बनाऊँगी इसे। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं। ये मैंने 1 कप दही लिया हुआ है, आप दही की जगह छाछ भी ले सकते हैं, ये थोड़ा खट्टा दही है। और आधा कप बेसन है, ये मैंने पकौड़ी बनाने के लिए लिया है बेसन। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। हाफ टी स्पून तीखी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 पिंच बेकिंग सोडा है। और ये आधा कप मैंने ग्रेवी के लिए बेसन लिया है। 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल है, 3 लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून मेथी दाना है, ये मैंने छौंके के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम पकौड़ी बनाने के लिए बेसन घोल लेते हैं। एक बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है, इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ और मैंने ये 1 पिंच जो बेकिंग सोडा लिया है इसे डाल रहे हैं। मैं सिंपल ही पकौड़े बनाऊंगी, सिंपल पकौड़े थोड़ा टाइट लगते हैं इसलिए मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इससे पकौड़े मुलायम बनेंगे। और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, बहुत हल्का सा नमक, इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूंगी। और हल्का सा मैं इसमें तीखी लाल मिर्च डालूंगी, जस्ट 1 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसको हम मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लेते हैं बेसन को। मैं बेसन ज़्यादा पतला नहीं घोलना है। बेसन को इतना ही थिक रखेंगे, इससे ज़्यादा और पतला नहीं करेंगे। ये देखिए हमारा बेसन फिट गया है। और अब हम पकौड़े फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें पकौड़ी बना रही हूँ। बहुत छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें गर्म तेल नहीं चाहिए, हल्का गर्म ही तेल चाहिए। मैंने सारी पकौड़ियों को तेल में डाल दिया, फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। अगर हम खाली खाली बेसन की पकौड़ी बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट सख्त बनती हैं पकौड़ियाँ। मैं हल्का सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं एकदम। थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा पकौड़ी तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए पकौड़ी हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कढ़ी की ग्रेवी के लिए तैयारी कर लेते हैं। अब इसी बर्तन में हम दही डाल देते हैं और ये बेसन डाल देते हैं।
और इसको डालकर हम घोल लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ये देखिए दही और बेसन को मैंने घोल लिया है, इसमें गिठली बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें और पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए मैंने दही और बेसन को घोल लिया है। और अब मैं ये जो मैंने मसाले लिए हुए हैं, ये सारे मसाले भी एक बर्तन में डाल के घोल लेती हूँ। इसी बर्तन में डाल लेती हूँ मिर्ची, हल्दी सब डाल लेते हैं इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, डाल के इस मसाले को घोल लेते हैं। ये देखिए मैंने मसाले भी घोल लिया है। डायरेक्ट ऐसे मसाले डालेंगे तेल में तो जल जाएंगे सारा, अगर हम ऐसे घोल के मसाला डालेंगे तो ये जलेगा नहीं। तो चलिए अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, जो मैंने सरसों का तेल लिया था। ये देखिए तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें मेथी दाना और ये लाल मिर्च जो लिया था ये डाल रही हूँ, और फ्लेम को अब थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए मेथी दाना और मिर्ची अब हो गया है। मैं इसमें ये जो मैंने मसाले घोले थे इसको डाल रही हूँ। देखिए मसाला थोड़ा भुन गया है। अब इसमें हम जो मैंने दही और बेसन को घोला था उसे डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दही जो घोला है उसमें दही और बेसन में गिठलियाँ आ गई हैं तो आप उसे छन्नी से भी छान के डाल सकते हैं। इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको जितना गाढ़ा या थिक चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, डाल के आप उतना गाढ़ा थिक पका सकते हैं। और अब इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और अब फ्लेम को हम एकदम हाई पर कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। देखिए कढ़ी में अब उबाल आने लगा है, और जब उबाल आने लगता है तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उबलकर बहने लग जाता है। उस समय हमें फ्लेम को कम कर लेना है। अब हम फ्लेम को कम कर लेंगे, नहीं तो ये उबल कर बहने लगेगा। और कढ़ी को थिक होने तक पकने देते हैं। कढ़ी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा थिक हो गया है, लेकिन अभी और थोड़ा थिक करना है हमें, ये थोड़ा पतला है। आप अपने हिसाब से जितना है आपको थिक या पतला चाहिए उतना आप इसको पका के कर सकते हैं।
देखिए कढ़ी अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। देखिए अब इसमें हम पकौड़े डाल देते हैं। मैंने पकड़ी में पकौड़े पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि पकौड़े हमारे बहुत मुलायम हैं। ये देखिए कितने मुलायम सॉफ्ट पकौड़े हैं। अगर पहले डाल देंगे तो ये कढ़ी में एकदम घुल जाएगा पकौड़ा, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला। और अब मैं ये पकौड़े डाल रहे हैं और इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। कढ़ी को पकते हुए पकौड़े डालने के बाद में 1-2 मिनट हो गया है और इससे ज़्यादा और हम कढ़ी को पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा अब हम कढ़ी को नहीं पकाएंगे। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। मैंने कढ़ी में ढक्कन लगा के बिल्कुल भी नहीं पकाया है क्योंकि हम इसमें ढक्कन लगा के नहीं पका सकते। ये जैसे हम ढक्कन लगाएंगे कढ़ी हमारा उबलने लग जाएगा, तो हमें इसको कढ़ी को खुले ही पकाना है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मेरी सात्विक कढ़ी बन के तैयार हो गई है, बिना लहसुन प्याज वाला। मैंने इसे सर्व भी कर लिया है, तो आप चाहे इसे चावल के साथ खाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए या पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। इतने कम तेल मसालों के साथ भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी कढ़ी बनता है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।